छत्तीसगढ़ विधानसभा ऑडिटोरियम में झीरम घाटी में अमर हुए शहीदों को बुधवार को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही शहीदों के परिजनों का भी सम्मान हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने श्रद्धांजलि झीरम के वीरों को पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक बिपिन त्रिपाठी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चरणदास महंत ने कहा कि आज तक इस घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ है। इसके पीछे के साजिशकर्ता अब तक सामने नहीं आए हैं। अब तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई, पूरा देश स्तब्ध था। इस घटना के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। नक्सली हमारे नेताओं की हत्या करने के बाद उनके ऊपर चढ़ के नाचे थे। इतनी बर्बरता पूर्वक हत्या की गई थी। अगर ये परिवर्तन यात्रा हमारी पूरी होती तो हमारी उस वक्त सरकार बन जाती। शहीदों को आपने घटना को भी याद किया, शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी, पुस्तक का भी विमोचन हुआ। जी, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि झीरम घाटी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के रूप में हम लोग इसे आयोजित कर पाए। एक बड़ा सुंदर पुस्तक आपने देखा होगा, आपको देंगे भी, उसका विमोचन भी हुआ। और इस बहाने हमने उन पुण्य आत्माओं को याद भी किया और परिवार को अपने पास आने और उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि हम आपके ही हैं, आपके परिवार के ही हैं। मेरी इच्छा हुई कि मैंने जो कहा, कम से कम झीरम घाटी के शहीद परिवारों को उनके शिक्षा अनुसार रोजगार दिया जाए, ये मैं मांग करता हूँ, जितने भी चाहे कोई भी शहीद परिवार रहा हो, ताकि उनके लालन पालन, उनके परिवार के लालन पालन में उन्हें सहयोग मिल सके। कृति का विमोचन माननीय विधानसभा अध्यक्ष और मंचासीन अतिथिगण करते हुए, और इस तरह से आज का यह विमोचन का जो बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम था वो माननीय अध्यक्ष जी और मंचासीन अतिथियों की गरिमा में उपस्थिति में संपन्न हुआ। अगले क्रम में For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.